हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू आराध्य क्लासेस. स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम पार्ट 2 इन अकाउंटेंसी. चैप्टर नंबर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पार्ट 4 के अंदर मैं टेक्स्ट बुक में से सब नंबर 19 यहाँ पर बता रहा हूँ. वो भी ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही सम है, कोर्स में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो अच्छी तरह ही ध्यान रखना. मैंने फॉर्मेट बना दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बराबर, लास्ट टाइम मैंने 18 नंबर सम बताया था तो उसमें खाली ओनली देखो एक ज अमाउंट थी. अब इधर ये 19 नंबर सम के अंदर क्या होगा, आपको दो दो अमाउंट दिए, दो डिफरेंट ईयर की अमाउंट दी है, 2017 एंड 2016 की यहाँ पर अमाउंट दी हुई है. तो कैसे यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करना है वो अच्छी तरह ध्यान रखना, माइंड में अच्छी तरह ध्यान रखना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज़ आएगी. तो सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. बराबर, दूसरी चीज सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट्स. तीसरी चीज कोई भी इंटेंजिबल असेट्स हो उसका पेड फॉर इंटेंजिबल असेट्स. और चौथा इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट. तो ये चार बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखने की है. बराबर, दूसरी चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम फाइनेंस एक्टिविटी का फॉर्मेट बताया था, वो भी जरूरी है कि फाइनेंस एक्टिविटी कौन सी होती रहती है. ओके ना, बेसिकली ये पांच छह चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो माइंड में खास ध्यान रखना. और सबसे पहली मेथड जो ये चैप्टर के अंदर वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेट मतलब क्या, बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस हम रनिंग करते रहते, वर्किंग, जो हमारा बिजनेस रनिंग है, जो हमारा मेन बिजनेस है, वो मेन बिजनेस के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इधर वो प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिविटी हुई, समझ लेना. कोई भी फर्म छोटी हो कि बड़ी हो, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट लॉस करने के लिए बिजनेस के पास सबसे मेन चीज क्या होना जरूरी है, तो वो है इनकम एंड एक्सपेंस. ये ध्यान रखना. प्लस अपने पास दूसरी मेन चीज जरूरी क्या होनी चाहिए ऑपरेटिंग के लिए, वो है करंट वर्किंग कैपिटल. बराबर, उसका मतलब अपने पास करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, वो सब चीज़ें भी हाथ में होनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, जो फर्स्ट मेथड है, जो सिलेबस में अभी है नहीं इस बार. बराबर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का तो जो फॉर्मेट तो मालूम है, पर कभी कभी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटम और फाइनेंस एक्टिविटी के आइटम भी अंदर शो होगी, इंक्लूडिंग होगी. तो आपको वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सब कुछ आपको शो करना नहीं है. इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो वही आपको क्या ध्यान में रखने की है, दूसरी एडिशनल चीज़ें आपको इसके अंदर बताने की नहीं है. बराबर, तो अच्छी तरह ध्यान रखना. स्टार्ट कर रहा हूँ सम नंबर 19 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 287. हेडिंग लगा दी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स. सबसे पहली चीज़ जिसमें लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी. अब ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, प्लांट एंड मशीनरी. आप देखो दो डिफरेंट ईयर दिया हुआ है, 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2000 क्या लिखा है, 16. 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2016. तो कंपेयर करने का 16-17 को, समझ लेना, 16 को 17 के साथ कंपेयर करने का है. तो आप देख लो, पहले प्लांट एंड मशीनरी 2016 में कितना था, 7,20,000 था, और 2017 के अंदर 9,20,000 है. तो उसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 720 है. तो देखो मैंने फ्रेंड्स, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. बराबर, वो ध्यान रखना खास कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 7,20,000. तो इधर बता, तो जो मैंने अलग से फॉर्मेट बताया हुआ है जिसके ऊपर से आपको मालूम पड़े यहाँ पर, तो प्लांट एंड मशीनरी का फॉर्मेट लेजर बना दिया है, उसमें डेबिट साइड लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस 7,20,000, और फिर इधर आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस 9,20,000. ये ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 जो 2016 में दिया हुआ है, और 2017 का लिखा है 9,20,000. अब आप चेक करो फ्रेंड्स, दोनों का डिफरेंस देखो खास, आप टोटल करके चेक कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा. इधर 9,20,000 है, 9,20,000 में से 7,20,000 माइनस कर दो तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, इधर 2,00,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है. 920 में से
बराबर। इसका रीज़न आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास 2016 में प्लांटेड मशीनरी 7,20,000 की थी, 2017 में 9,20,000 का है, उसका मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर 2,00,000 रुपये की मशीन परचेस करी है। तो इधर और फिर भी मैंने फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर डेबिट साइड कोई भी डिफरेंस अमाउंट आवे तो लिखने का परचेस टू परचेस ऑफ प्लांट, बराबर। तो ये परचेस आया ना फ्रेंड्स, तो परचेस इधर आपको लिखने का, कैश फ्लो के अंदर तो परचेस और सेल एक्टिविटी लिखने की है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट के अंदर परचेज है मतलब माइनस में बताने का 2,00,000 रुपये, बराबर। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना खास, जो मैंने ये टेबल के ऊपर से आपको बताई, ओके। उसके बाद अगर डिफरेंस इधर ज़्यादा आता और इधर कम आता तो डिफरेंस अमाउंट सेल होता, तो यहाँ पर मैं लिखता सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो पैसे आते, मशीनरी बेचता हूँ तो पैसे आएंगे, तो इनफ्लो होता। उसके बाद लिखा है फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड लिखा हुआ है ऑन प्लांटर, डेप्रिसिएशन फंड वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती नहीं है, बिकॉज डेप्रिसिएशन फंड इज अवर एक्सपेंस, ये ध्यान रखना खास। तो इसके अंदर कोई भी जगह पर इंक्लूडिंग होगा नहीं। देन गुडविल लिखा है, देखो फ्रेंड्स ओनली गुडविल लिखा है, दो अलग अलग साल की गुडविल बताई हुई है। मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बताया था पेड फॉर इंटेंजिबल असेट्स, मतलब पेड फॉर गुडविल, पेड फॉर पेटेंट, पेड फॉर ट्रेडमार्क, पेड फॉर कॉपीराइट, पेड वर्ड लिखा हो तो आज इन्वेस्टिंग में गिनने का, ओनली गुडविल ओनली पेटेंट हो तो आपको इसके अंदर कंसिडर करना नहीं है, बराबर, वो ध्यान रखना। तो देखो खाली गुडविल लिखा है मतलब बुक के अंदर उसकी कोई जगह पर एंट्री होगी नहीं, बराबर, बिकॉज ये जो डिफरेंस अमाउंट की एक्टिविटी हुई ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इधर इन्वेस्टिंग के अंदर कुछ भी आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट पेटेंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सेम गुडविल है सेम उसी तरह से पेटेंट भी आएगा, पेटेंट की भी यहाँ पर कोई जगह एंट्री आएगी नहीं, पर बाई चांस कभी कभी आपको सम के नीचे लास्ट में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बराबर, एडजस्टमेंट देते तो माइंड में वो ध्यान में होना चाहिए, बराबर। तो देखो इधर भी सम के नीचे लास्ट में एंड में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द पेटेंट्स वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, सम ऑफ द पेटेंट्स वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो मैंने इसके रिगार्डिंग अलग से पेटेंट अकाउंट बताया हुआ है, पेटेंट हमारी असेट्स हुई इंटेंजिबल असेट्स। तो देखो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग 130 है, क्लोजिंग 70,000 है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग 130,000 है और क्लोजिंग आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 70,000, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, इधर 130 से ज़्यादा है, 130 में से 70,000 का डिफरेंस माइनस कर दोगे तो 60,000 यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, देखो सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट सम ऑफ द पेटेंट्स वेर सोल्ड, तो ये जो 60,000 रुपये का पेटेंट क्या कर दिया होगा, सेल, सेल ऑफ पेटेंट, बराबर फ्रेंड्स। तो वो एंट्री आपको बताने की है, सेल ऑफ पेटेंट जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बताने की, सेल ऑफ पेटेंट अमाउंट के अंदर आएगा ओनली यहाँ पर 60,000, पैसे आ रहे दैट इज प्लस में बताने का, सेल ऑफ पेटेंट क्या बताने का, प्लस में 60,000, ओके। फिर फ्रेंड्स उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कौन सी एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, तो देखो उसके अंदर भी वो भी मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फॉर्मेट तो खास बनाना जैसे आपको पता चले कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, मतलब परचेस कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं, वो उसके मुताबिक आपको मालूम पड़ेगा, बराबर। इसलिए अगर कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पॉइंट हो तो जहाँ पर लगे वहाँ पर आपको फॉर्मेट बना देने का। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस देखो बुक में दिया है 270, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 16-17 अच्छी तरह ध्यान रखना, भूल से 17-16 ना हो जावे, बराबर। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और इधर हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 95,000, एक में 95,000 है, बराबर, ओपनिंग 270 क्लोजिंग 95, डिफरेंस देख लो 2,70,000
उसमें से 95,000 माइनस करोगे तो 1,75,000 डिफरेंस आएगा। देयरफॉर उसको बोलते बाय सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर उतना बेच दिया। अगर इधर आता तो परचेस होता, सेल की एंट्री कर दो यहाँ पर, सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 1,75,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली ध्यान रखना। उसके बाद चौथी चीज़ जनरल रिजर्व लिखा है। जनरल रिजर्व वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कंसिडर होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो शेयर के बारे में बताया था, कोई भी शेयर इश्यू करते हैं डिफरेंस अमाउंट, वो फाइनेंस एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग के अंदर कोई भी चीज़ आएगी नहीं। बैंक लोन, बैंक लोन वो भी मैंने फाइनेंस लिया हुआ है तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग के अंदर कंसिडर होगा नहीं, बराबर। और लास्ट में लिखा हुआ है फ्रेंड्स करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी वो वर्किंग कैपिटल में आता है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। इन्वेस्टिंग के अंदर तो मैंने आपको जो चार पांच चीज़ बताई है वो माइंड में अच्छी तरह ध्यान रखना। करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा नहीं। ओके, और लास्ट चीज़ लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹18,000। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आएगा 18,000, इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अमाउंट में ध्यान रखना यहाँ पर 18,000 प्लस में लिखा है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, इसीलिए अगर पैसे जा रहे हो तो आउटफ्लो हुआ तो माइनस में करता। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, बराबर। जैसे ही सम पूरा हो जाए लास्ट में टोटल कर दो, उसका प्लस माइनस निकाल दो, 175 और ये 2,00,000 रुपये है। आपको चेक करना हो तो कर सकते हो, 25,700 प्लस माइनस करोगे फ्रेंड्स तो 53,000 प्लस में आएगा। किस में आएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्लस माइनस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर आते रहते। ओके फ्रेंड्स, तो टेक्स्ट बुक में ये मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो दूसरा सम भी था वो भी आपको बता दिया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइम एक इलस्ट्रेशन भी मेरे को कराने का है, वो भी मैं आपको टेक्स्ट बुक में से इलस्ट्रेशन करवा होगा। ओके, उसमें लगभग देखने जाओगे तो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स ध्यान में रखने के हैं, बराबर, उसके मुताबिक आपको सम करना है। थैंक यू।